चलिए वेरी गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स. ठीक है, मैं यहाँ पर एक सिस्टम ले रहा हूँ. उस सिस्टम का मैंने इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी मान लेता हूँ. इस सिस्टम पे मैंने इनपुट दिया है एक्स ऑफ टी और एक सिस्टम पे आउटपुट आ रहा है वाई ऑफ टी. ठीक, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाउंडेड सिग्नल क्या होते हैं उस बारे में. बाउंडेड सिग्नल, बाउंडेड सिग्नल ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर इनफाइनाइट नहीं जाता है. ऐसे सिग्नल्स जो होते हैं वो बाउंडेड सिग्नल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइनसॉइडल वेव के बारे में बात करूँ तो साइनसॉइडल वेव का मैग्नीट्यूड किसी भी इंस्टेंट पर इन्फिनिटी पर नहीं जाता है, तो ये बाउंडेड सिग्नल है. फिर वहीं अगर मैं एक रैंप फंक्शन के बारे में बात करूं, तो आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट आएगा कि जिसका इसका मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट हो जाएगा. फिर तो ये कैटेगरी होती है अनबाउंडेड सिग्नल की. अगर एक सिस्टम लूँ मैं, उस सिस्टम पे मैंने अगर इनपुट बाउंडेड दिया है, फिर इनपुट मैंने बाउंडेड दिया है और अगर आउटपुट भी बाउंडेड आ गया है ना, सारे के सारे बाउंडेड इनपुट के लिए अगर मेरा आउटपुट भी बाउंडेड आ गया, तो ऐसे सिस्टम्स को मैं स्टेबल सिस्टम्स की कैटेगरी में लेता हूँ. सिस्टम इज स्टेबल. फिर और अगर मेरे पास में एक ऐसा सिस्टम है जिस पे इनपुट मेरा अनबाउंडेड है, मैंने अनबाउंडेड इनपुट दिया है, या इनफैक्ट मैंने बाउंडेड इनपुट दिया है, मैंने इनपुट कैसा दिया है, बाउंडेड दिया है, और आउटपुट अनबाउंडेड आ गया, आउटपुट कैसा गया, अनबाउंडेड आ गया, तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम्स. ठीक, स्टेबिलिटी बेसिकली ये बताती है कि सिस्टम की यूजफुलनेस से रिलेटेड होती है कि सिस्टम यूजफुल है या नहीं. ठीक, चलिए स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी आप इंपल्स रिस्पांस से भी निकाल सकते हैं. इंपल्स रिस्पांस का मतलब क्या है, अब मैंने एक सिस्टम दिया, इस सिस्टम पे मैंने इंपल्स अप्लाई कर दिया, आउटपुट सिस्टम का y ऑफ t है और h ऑफ t मैंने सिस्टम का फंक्शन बोल दिया. ठीक, तो आप देख सकते हैं इंपल्स रिस्पांस कैसा होगा, रिस्पांस मतलब आउटपुट कैसा होगा, y ऑफ t इज इक्वल्स टू डेल ऑफ t कन्वर्ल्ड विद h ऑफ t कन्वोल्यूशन. तो आपको सिंपली मिल गया y ऑफ t किसके बराबर है, इसके इंपल्स रिस्पांस h ऑफ t के बराबर. ठीक, तो अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेबिलिटी की, आउटपुट या इनपुट लेके नहीं, सिस्टम के इंपल्स रिस्पांस को लेके. क्लियर, इसको आगे जाके BIBO स्टेबिलिटी बोलते हैं. क्लियर, तो पहली कंडीशन ये है आपकी, द इंपल्स रिस्पांस ऑफ दिस सिस्टम शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. क्लियर, आपका एक सिस्टम का अगर इंपल्स रिस्पांस मॉड ऑफ एच ऑफ टी इज लेस देन इनफाइनाइट, अगर आपका सिस्टम के पास आपका इंपल्स रिस्पांस प्रेजेंट है और वो इंपल्स रिस्पांस एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा. दूसरी कंडीशन ये है कि फॉर अ बाउंडेड इनपुट द आउटपुट शुड बी बाउंडेड. इन दोनों कंडीशन को जब हम साथ में जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं BIBO स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी. ओके, चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं. एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू h of t is equal to t plus 5 into u of t. फिर एक एक करके हम रिजॉल्व करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स को, थोड़ा कुछ समझ में आएगा. इंपल्स रिस्पॉन्स देख रखा है t plus 5 into u t. चलिए पहले इंपल्स रिस्पॉन्स को ड्रॉ कर लेते हैं. h of t is equal to मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आएगा t u t प्लस का 5 u t. 5 u t तो हमको समझ में आ रहा है, 5 u t को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ यूनिट स्टेप फंक्शन इसका मैग्नीट्यूड 5 है, प्लस टी यू टी की अगर मैं बात करूं तो ये एक रैम फंक्शन है. रैम फंक्शन किसी ना किसी टी की किसी ना किसी वैल्यू पर ही इन्फाइनाइट होगा ही होगा, पक्की बात है. तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टेबल सिस्टम है. आप इंटीग्रेट भी करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ग्राफ से भी आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं.
सेकंड देखते हैं, 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 3t इनटू u ऑफ t, h ऑफ t इज इक्वल टू 2u ऑफ t प्लस ई टू द पावर माइनस 3t इनटू u ऑफ t, क्लियर। चलिए इसको इंटीग्रेट करके भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी h ऑफ t, है ना, यही होता है। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इनफाइनाइट। ut इसकी लिमिट चेंज कर देगा, ut होगा 0 से लेके इनफाइनाइट 2 dt प्लस 0 से लेके इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 3t dt। 2 बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t, तो 2t 0 से लेके इनफाइनाइट प्लस सॉरी माइनस, है ना, माइनस 1/3 e टू द पावर माइनस 3t 0 से लेके इनफाइनाइट। इस केस में अगर आप t की जगह अपर लिमिट लगेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, माइनस 1/3, अपर लिमिट रखेंगे e की पावर माइनस इनफिनिटी 0, माइनस e टू द पावर 0 1। इन्फिनिटी में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो द आंसर विल बी इनफाइनाइट। तो ये सिस्टम भी कौन सा हो गया आपका, अनस्टेबल सिस्टम्स की कैटेगरी में चला गया। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 3 रिजॉल्व कर सकते हैं, h ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2t। यहां पे रिजॉल्व कर देखो, h ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर, h ऑफ t इज इक्वल्स टू e की पावर 2t। तो सिंपल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी e टू द पावर 2t dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 इंटू टू द पावर 2t माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी, अपर लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा, पर एक बार इनफाइनाइट आ गया तो ओवरऑल आंसर इज इनफाइनाइट। दिस इज आल्सो एन अनस्टेबल सिस्टम। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, e टू द पावर माइनस 2t इंटू ut। ut लगाए मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी e की पावर माइनस 2t dt, इसको इंटीग्रेट करें माइनस 1/2 टू द पावर माइनस 2t 0 से लेके इनफाइनाइट, अपर लिमिट डालेंगे e की पावर माइनस इनफिनिटी 0, माइनस e टू द पावर 0 इज 1, माइनस से माइनस एंड कैंसिल 1/2, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तो ये जो सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम की कैटेगरी में चला गया, और बाकी ऊपर वाले आपके अनस्टेबल सिस्टम्स की कैटेगरी। थैंक यू।